दोस्तों ये हमारा सिक्स असेसमेंट है, लोक ट्रंक ओरिएंटेशन। तो ये हमारा सिक्स असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक और ट्रेड ऑफ सक्सेसफुल्स इंटरप्रेनर, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। एक सफल उद्यमी की विशेषताएं लक्षण क्या है, सबसे अच्छा विकल्प चुनें। रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला, गोयल एंड ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी, थ्रिव ऑन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पर कायम रहें, ऑल ऑफ अबव, ऊपर के सभी से। दोस्तों हाँ, सभी से, क्योंकि एक सफल उद्यमी के लक्षण यही होते हैं, वे सभी चीज़ पर टिका रहे। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज नॉट करैक्टरिस्टिक ट्रेंट ऑफ ए सक्सेसफुल इंटरप्रेनर, कि एक सफल उद्यमी की विशेषता और विशेषताएं क्या नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है। गुड कम्युनिकेशन, अच्छा संचार, ये तो होती है। टू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, हाँ दोस्तों ये भी अच्छी विशेषता है। क्वाइट हाफ वे वैन द सिचुएशन बिकम द डिफिकल्टीज, स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता, इसका मतलब कि थर्ड है कि ये अच्छी विशेषता नहीं है, क्योंकि यदि आपका कोई काम है वो टूट जाता है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें नए विचार लाने चाहिए और नए रास्ते से शुरू करना चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, एंटरप्रेनर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक देम्स बेटर, विच ट्रेड इज बींग डिस्कस हेयर। उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जाती है। ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशावादी प्राकृतिक, कंसिस्टेंसी संगति, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, कमिटमेंट प्रतिबद्धता। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना है कि वो कुछ नए नए लुकिंग कर रहा है, ये कुछ नया करने की सोच रहा है, तो इसका मतलब क्रिएटिविटी रचनात्मकता, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही है, रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर फोर, इंटरप्रेनर इफेक्टिवली सेल्स देयर प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट एंड कस्टमर्स, विच ट्रेड्स इज बीइंग डिस्कस हेयर। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषताओं की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशावादी प्राकृतिक, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, क्रिएटिविटी रचनात्मक। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे केवल उद्यमी उत्पाद या सेवाओं को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचने कि नई नई चर्चाएं कर रहा है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो इस तरीके से आपको कस्टमर भी आपको अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, तो इसका थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एंटरप्रेनर्स डोंट लेट अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलर स्टॉप देम्स फ्रॉम डूइंग व्हाट नीड टू बी, विच ट्रेड्स इज बींग डिस्कस्ड हेयर। उद्यमी निश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस विशेषताओं की चर्चा की जा रही है। दोस्तों क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नहीं करना वो भी करने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, स्ट्रॉन्ग टेक्निक नॉलेज नहीं, क्रिएटिविटी रचनात्मकता नहीं, रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला। दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो होने वाला नहीं है उसे भी करने की सोच रहा है, तो इसका मतलब कि रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला, इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डैश इज एबिलिटी टू इवेल्यूट एसिमाइलेट एंड एक्सप्लोइट नॉलेज, ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। फर्स्ट एडिटिव कैपेसिटी, योजक क्षमता, एसिमिलेटिव कैपेसिटी, आत्मसात करने की क्षमता, असोर्टिव
कैपेसिटी अवशोषण क्षमता, एट्रैक्टिव कैपेसिटिव आकर्षक क्षमता। तो इसका मतलब इसका सेकंड बिल्कुल सही है, आत्मसात करने की क्षमता। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है, आत्मसात करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7, अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी कम फ्रॉम प्रायर रिलेटिव नॉलेज टू बी एबल टू मेक सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ एंड यूज न्यू इन्फॉर्मेशन। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है और नई जानकारी का उपयोग करना करता है। तो इसका दोस्तों मतलब सही है, बिल्कुल सही है, राइट, फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव प्रायर नॉलेज और रिलेटेबल एक्सपर्टाइज टू बिकम सक्सेसफुल इंटरप्रेनर। एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसामंद विशेषताओं का होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट, प्रायर नॉलेज कंट्रीब्यूट टू एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन। पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। हेल्प टू मेक डिसीजन लाइक वेदर टू इन्वेंट इन द आइडियाज और नोट। विचार में निवेश करना या ना करने जैसे निर्णय देने में मदद करता है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। Prior knowledge does not help much. It is not required to become a successful entrepreneur. पूर्व ज्ञान बहुत मदद नहीं करता है एक सफल उद्यमी बनने के लिए, आवश्यक नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये गलत है। तो फोर देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि ये भी फर्स्ट भी सही है और सेकेंड भी। तो इसका मतलब बोथ, फोर्थ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ए सक्सेसफुल टेलर वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू सो ही ओपन ए स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट इन हिज एरिया बट हिज रेस्टोरेंट डिड नॉट रन प्रॉपरली एंड इवेंचुअली ही हैड टू क्लोज इट डाउन। व्हाई? प्लीज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरा खोला, लेकिन उनका रेस्तरा ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ा। क्यों? कृपया सबसे अच्छा विफल चुनें। दोस्तों ही वॉज नॉट रिस्क टेकर, वह जोखिम लेने वाला नहीं था। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने रेस्तरा खोला, दर्जी की दुकान थी, फिर उन्होंने खोला, तो इसका मतलब रिस्क लेने वाला तो है था। He was not goal oriented, वे लक्ष्य उन्मुखी नहीं था। दोस्तों वे लक्ष्य उन्मुखी भी था, क्योंकि पहले उसका दर्जी था और फिर वे काम रेस्तरा का करना शुरू कर दिया, इसका मतलब वे कुछ तो करना चाहता था, इसलिए ये भी सही है। He did not have prior knowledge of how to run restaurant, उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इसका मतलब यह सही है कि उसका मतलब ये इसलिए नहीं चला क्योंकि उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, वो पहले टेलर था फिर उसने एक रेस्तरा खोला। तो इसका मतलब थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ए नॉलेजेबल कुक्स ओपन ए साउथ इंडिया रेस्टोरेंट इन द चेन्नई बट द बिजनेस वॉज नॉट रनिंग स्मूथली एंड लेटर ऑन ही हैड टू क्लोज इट। व्हाट वेंट रॉन्ग? एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरा खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? ही डिड नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। हाँ दोस्तों उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, क्योंकि पहले वे केवल नॉलेजेबल कुक था, ना कि कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। दे वेयर टू मैनी कॉम्पिटिटर एंड ही वॉज नॉट क्रिएटिव इन द मेन्यू टू अट्रैक्टिव कस्टमर। वे बहुत तेज अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वे मेन्यू में रचनात्मक नहीं थे। तो दोस्तों इसका मतलब ये दोनों सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा बोथ ए और बी।